अध्यक्ष महोदय, श्री घारपुरे जी, मान्यवर काशीनाथ पंत जिले में देवियों और सज्जनों, अनेक वर्षों के बाद मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है। लेकिन यह सौभाग्य दुर्भाग्य की एक दुखद घटना के साथ जुड़ा हुआ है, जिस प्रसंग पर मैं यहां उपस्थित हूं वो हम सबके लिए, विशेषकर उनके लिए जिन्होंने परम पूजनीय श्री गुरु जी के चरणों में बैठकर भारत की भक्ति का पाठ पढ़ा या उनके सहयोग में, सहकार्य में राष्ट्र की सेवा करने का स्वअवसर प्राप्त किया, उनके लिए ये घड़ी शोक की घड़ी है। परम पूजनीय गुरु जी हमारे बीच में नहीं है। आज केवल चित्र में हम उनका दर्शन कर रहे हैं। मुझे जीवन भर आज हम उनके चित्र का अनावरण कर रहे हैं। मृत्यु से पूर्व वे लिख कर गए कि मेरे स्मारक खड़े नहीं होना चाहिए। आपने आज चित्र लगाया है, कल कहीं कोई उनकी मूर्ति बनाने का प्रयत्न करेगा, परसों उनकी स्मृति में कहीं मंदिर खड़ा किया जा सकता है। लेकिन ये सब बातें उनकी इच्छा के अनुकूल नहीं होंगी। वे तो अपना श्राद्ध स्वयं करके चले गए। हमारे लिए मानो कुछ छोड़ा नहीं, लेकिन ये कहना भी ठीक नहीं होगा कुछ नहीं छोड़ा। हमारे लिए राष्ट्रभक्ति की एक महान धरोहर छोड़ी है, समाज को संगठित, अनुशासित और शक्तिशाली बनाने का एक अधूरा कार्य छोड़ा है, भारत को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने का एक महान संकल्प छोड़ा है। जीवन भर, जैसा अभी घारपुरे जी ने कहा, नंदा दीप की तरह से वो जलते रहे, स्वयं जलकर प्रकाश फैलाते रहे, अंधकार की शक्तियों से लड़ते रहे। इस संघर्ष में उन्होंने कभी विश्राम नहीं मांगा, कभी आराम की तलाश नहीं की, कर्तव्य के पथ पर वो कभी रोके नहीं, कभी झुके नहीं। चरैवेति चरैवेति, उपनिषद का यह मंत्र मानो उनके जीवन में साकार हो गया था। शरीर का कण कण, जीवन का क्षण क्षण, अहोरात्र राष्ट्र की चिंता,
लेकिन चिंता ऐसी जो निराशा नहीं जगाती थी, चिंता ऐसी जो निष्क्रियता पैदा नहीं करती थी। हमें समाज में बहुत से चिंता करने वाले लोग मिलते हैं जो कहते हैं अब तो भारत रसातल को जाने वाला है, इसके बचने का कोई उपाय नहीं। वो स्वयं इतने निराश हैं कि जो उनके संपर्क में आता है उसमें निराशा पैदा करते हैं। परम पूजनीय गुरुजी राष्ट्र की स्थिति से चिंतित नहीं थे, ऐसा नहीं, लेकिन चिंता में से वो एक चिड़ पैदा करना चाहते थे। यदि आज देश की स्थिति अच्छी नहीं है तो हम इसे अच्छा बनाएं। अगर आज हम दुर्बल हैं, अगर आज हम अभाव से ग्रस्त हैं, अगर भारत माता का कोई भी पुत्र या पुत्री सम्मान से समृद्धि से जीवन यापन करने की क्षमता नहीं रखता तो ये हमारे लिए चुनौती है, और हम इस चुनौती का सामना करके भारत के भाग्य को बदलेंगे। उनकी चिंता में से ये संकल्प पैदा होता। बार बार मेरी आंखों के आगे वो आखिरी दिन का चित्र उपस्थित हो जाता है। शायद इस भारी भीड़ में मैं ऐसा भागा व्यक्ति हूं जो प्रातःकाल 5 जून का प्रातःकाल उनसे मिला था। हम लोग रात्रि भर आदिलाबाद से कार्क से यात्रा करके हेडगेवार भवन पहुंचे थे। इच्छा थी परम पूजनीय जी के दर्शन कर लें, वो संध्या वंदन करके बैठे थे। संध्या का क्रम कभी नहीं रुका। संघ की प्रार्थना प्रतिदिन करने का नियम कभी नहीं टूटा, और संध्या के बाद मिलने वाले लोग, हम लोग पहुंचे तो वही भुवन मोहिनी मुस्कान, हृदय का हरण करने वाली, तापों का निवारण करने वाली। व्यक्ति कितना भी दुखी हो, थका हो, चिंतित हो, एक बार परम पूजनीय गुरुजी के सानिध्य में पहुंच गया और उनकी दृष्टि पड़ी तो लगा सारी थकान मिट गई। उस दिन भी तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें देखने वाला हर व्यक्ति नहीं समझ सकता था, मगर कुछ लोग समझ सकते थे। डॉक्टर आबाजी थत्ते मौजूद थे, लेकिन उन्होंने सबसे परिचय प्राप्त किया। आदिलाबाद से आए हैं, ये कौन है? अच्छा, वहां मुलाकात हुई थी, मैं तुम्हारे घर पर ठहरा था। इकबाल स्वयं सेवक का नाम क्या है? हम लोग जनसंघ के कार्यकर्ता थे। कैसा कार्यक्रम हुआ? फिर जब एक डॉक्टर का परिचय कराया गया तो उन्होंने कहा, आप कौन से डॉक्टर हैं? मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूं जो किसी मरीज को देखने के लिए गए और डॉक्टर ने मरीज से पूछा, बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? तो मरीज बिगड़ गया, कहने लगा, अगर तकलीफ आपको ही बताना है और मुझे ही बताना है तो फिर आपकी क्या जरूरत है? आप डॉक्टर हैं, आप बताइए मुझे क्या तकलीफ है। तो डॉक्टर ने कहा, ठहरो, मैं ऐसा डॉक्टर बुलाकर लाता हूं जो बिना तुम्हारे बताए तुम्हारा इलाज करेगा। और वो डॉक्टर बाहर निकलकर एक वेटरनरी सर्जन को बुलाकर ले आए, एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाकर ले आए, कहने लगे कि ये तुम्हारा इलाज कर सकते हैं, इनके मरीज को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्वयं सब कुछ समझ लेते हैं। तो फिर उन्होंने, जो हमारे साथ डॉक्टर थे, उनसे पूछा, आप कौन से डॉक्टर हैं? ये विनोद था, वो जानते थे वो डॉक्टर कौन है, मगर मृत्यु दरवाजे पर खड़ी थी, शरीर साथ छोड़ रहा था, संसार के बंधन एक एक करके टूट रहे थे। परम पूजनीय गुरु जी जानते थे अंतिम बुलावा आ गया है। प्रातःकाल ही उन्होंने कहा था, घंटी बज रही है, फॉर हुम द बेल टोल, ये घंटी किसके लिए बजती है? लेकिन स्वयं सेवक आ गए,
तो मरण को भी मानो एक तरफ रख दिया, पीड़ा को पी गए, शरीर की व्यथा को भूल गए और स्वयंसेवकों के साथ हंसी विनोद परिचय, चाय लाओ, चाय भी उनके लिए एक लोक संग्रह का साधन थी। उन्हें यह भी स्मरण था कौन चाय पीता है कौन नहीं पीता। मेरे पेट में तकलीफ थी, मैंने चाय पीना बंद कर दिया था, ऑपरेशन के बाद मैं पीने लगा, मगर उन्हें स्मरण था कि यह चाय नहीं पीता है। कहने लगे नहीं अटल चाय नहीं पीता, दूध लाओ। मैंने कहा पीना शुरू कर दिया, तो कहने लगे चलो अच्छा उतनी तकलीफ कम हो गई। और बाल स्वयंसेवकों से परिचय, नाम, मुझे एक क्षण के लिए गा, एक क्षण के लिए कि मानो शूलों की शैया पर भीष्म पिता हूं विराजमान, एक क्षण के लिए, क्योंकि दूसरे क्षण विचार आया कि भीष्म पितामह न्याय के पक्ष में थे, मगर ये तेजस्वी ये तपस्वी व्यक्ति ये हरदम धर्म के लिए लड़ा, इसने हरदम न्याय के लिए संघर्ष किया, ये कभी कौरवों के पक्ष में नहीं था। तो हमें सलाह दिया करते थे, वयम पंचाधिकम शतम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया, महात्मा गांधी की हत्या का खोटा आरोप, आरोप लगाने वाले भी जानते थे कि आरोप मिथ्या है, निराधार है, विद्वेष मूलक है, मगर आरोप लगा दिया। परम पूजनीय गुरु जी ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, विचलित नहीं हुए, उन्होंने अपने स्वयंसेवकों से कहा ये परीक्षा की घड़ी है, संयम से काम लो। प्रतिबंध हटाना पड़ा और फिर कारागार से मुक्त होकर जब वो निकले तो लाखों जनता उनके स्वागत में उमड़ पड़ी। ऐसा स्वागत भारत के अनेक नगरों में अनेक व्यक्तियों का कभी हुआ नहीं। लेकिन स्वागत के बाद भी उन्होंने क्या कहा, जिन्होंने हमें बंदी बनाया था, जिन्होंने राष्ट्र कार्य पर प्रतिबंध लगाया था, उनके विरुद्ध हमारे मन में कोई भावना नहीं है। वयम पंचाधिकम शतम, हम 105 नहीं है, हम 105 हैं। लेकिन एक क्षण के लिए मुझे लगा भीष्म पितामह, क्योंकि भीष्म पितामह ने भी इच्छा मरण मांगा था, जब चाहा था तब शरीर त्याग किया था। परम पूजनीय गुरु जी के रूप में मैंने देखा कि वो समझ रहे थे मृत्यु आ रही है, लेकिन वो पलंग पर भी नहीं लेते, आवश्यक कार्य के लिए भी बाथरूम में जाना नहीं छोड़ा। डॉक्टर कहते थे आप यहीं बैठिए, हम कमोड़ लाते हैं, उन्हें कहा नहीं, और बैठे बैठे मानो योग मुद्रा में प्राण त्याग दिए, मरण में और भी महान हो गए। कभी कभी जीवन भर जो अच्छी प्रकार जीवित रहते हैं, मृत्यु की विभीषिका के सामने कंपित हो जाते हैं, लेकिन परम पूजनीय गुरु जी का ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं था। मृत्यु तो उनके लिए खेल थी, जीवन उनके लिए समर्पण था, समाज उनके लिए परमात्मा का स्वरूप था, राष्ट्र कार्य उनके लिए सांस लेना जैसा आवश्यक था। कभी कभी वो कहा करते थे क्या बिना सांस के कोई जीवित रह सकता है, हम राष्ट्र कार्य नहीं करेंगे, हम समाज को संगठित नहीं करेंगे, हम इसे बलशाली नहीं बनाएंगे, सारे भेदों से ऊपर उठाकर, और हम अपने राष्ट्र को संगठन के सूत्र में आबद्ध नहीं करेंगे। वो कहते थे ये कहना तो ऐसा हुआ जैसे कोई कहेगा कि हम सांस नहीं लेंगे, क्या बिना सांस के कोई जीवित रह सकता है, क्या बिना संगठन के समाज समाज रह सकता है। और अपने कार्य पर इतनी निष्ठा,
कि वो बल देते थे कि जो साधन है वही साध्य है, जो भक्ति है वही भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य है, जो मार्ग है वही मंजिल बन जाती है, जो भक्ति है वही भगवान का रूप ले लेती है, जो साधन है वही साध्य में बदल जाता है। ध्येय के साथ ऐसा तादात्म्य परम पूजनीय गुरु जी ने अपने जीवन में दिखाया। देश में नेता तो बहुत हैं, भविष्य में भी होंगे, एक छोटे मोटे नेता के रूप में मेरी भी गणना होती है, शायद इसीलिए मुझे थिएटर के मंच पर खड़ा किया गया है, नेता और अभिनेता। लेकिन नेता का अर्थ है जो ले जाता है, अपने साथ ले जाता है, नी नए टू लीड और कैरी। नेता नी धातु में से निकला है, जो ले जाता है, कहां ले जाता है। मुझे याद है परम पूजनीय गुरु जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बुलाए गए थे और हमारे कुछ मित्र विघ्न संतोषी, जिनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, वो बात तय करके आए थे कि गुरु जी को भाषण नहीं करने देना। और हजारों नौजवान विद्यार्थी तय करके आए थे कि गुरु जी का भाषण सुन के जाने। आखिर में भाषण हुआ, विरोध करने वाले 10-20 थे, उन्हें बड़े सम्मान के साथ अर्धचंद्र देकर हॉल के बाहर कर दिया गया। उस समय परम पूजनीय गुरु जी ने कहा कि प्रगति क्या है, हरे गति प्रगति रही है। कोई पहाड़ की चोटी से गिरे और कहे सी हाउ रैपिडली आई एम प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेस तो वो कर रहा है मगर गड्ढे में जा रहा है। अगर कोई नेता देश को गड्ढे में ले जाता है, शिखर पर ले जाना, और शिखर पर जाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं हुआ करता, एक एक कदम मजबूती से रखना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, साधना करना पड़ती है, जलना पड़ता है, चंदन की तरह से अपने को खिसना पड़ता है, तब शिखर पर चढ़ना पड़ता है। हां, शिखर से नीचे आने के लिए शॉर्टकट हो सकता है, ऊपर जाकर नीचे गिरना सरल है, मगर नीचे से ऊपर जाना साधना चाहिए। और परम पूजनीय गुरु जी का जीवन अखंड साधना, अनन्य आराधना, एक पवित्र पूजा, समाज के चरणों में सब कुछ समर्पित। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर लाखों लोग घर द्वार छोड़कर निकले। कभी कभी उनमें से कोई निराश होकर आता था, समाज में जितना हमारा कार्य होना चाहिए नहीं होता, लोग व्यक्तिगत स्वार्थ में लिप्त हैं, छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा करते हैं। अगर हमारे जीवन में कार्य पूरा नहीं हुआ तो परम पूजनीय गुरु जी कहते थे तो फिर पुनर्जन्म लेकर इसी धरती पर आएंगे और जो कार्य अधूरा रह गया उसको पूरा करके दिखाएंगे। भला इसमें कहीं निराशा पैदा हो सकती है, कोई थककर बैठ सकता है, कोई हाथ पर हाथ रखकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ सकता है, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में, मगर मैं भारत के भाग्य को बदलूंगा, मैं संसार में भारत की ऐसी स्थिति उत्पन्न करूंगा कि दुनिया भारत की ओर मार्गदर्शन के लिए देखे। यही है भारत को परम वैभव पर पहुंचाने का लक्ष्य का अर्थ। अब इस लक्ष्य में कोई मतभेद नहीं हो सकता, राजनीतिक आर्थिक प्रश्नों पर मतभेद हो सकते हैं, समाज का पुनर्गठन कैसे किया जाए
इस प्रश्न पर भी विचार वैभिन्न हो सकता है। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, केवल स्वाभाविक ही नहीं आवश्यक भी है। जब विचारों का मंथन होता है तो फिर निष्कर्ष का नवनीत निकलता है और वह नवनीत समाज को पुष्ट करता है, स्वस्थ करता है, बलवान बनाता है। हमारे यहां विचारों के मंथन पर कभी रोक नहीं लगाई। प्राचीन काल से यहां अलग अलग विचार प्रकट करने की स्वाधीनता रही, खंडन होता रहा, मंडन होता रहा, शास्त्रार्थ होता रहा। लेकिन एक बात थी, जो शास्त्रार्थ में पराजित हो जाते थे वो अपनी पराजय मान लेते थे। अब ऐसा नहीं होता है। अब कहते ठीक है, तर्क हमारे पास नहीं है, मगर संख्या देखो, संख्या हमारे पास है। कभी कभी पार्लियामेंट में ऐसा ही होता है, मैं प्रतिपक्ष में हूं, संख्या में कम हूं, लेकिन कोई कोई प्रश्न ऐसा आता है कि इसमें तर्क हमारे पक्ष में होते हैं मगर संख्या दूसरे पक्ष में होती है। फिर हमारे लोकसभा के स्पीकर कहते हैं अच्छा चलिए वोट से तय कर लेते हैं। हमने कहा अध्यक्ष महोदय वोट तो उधर ज्यादा है, ये तो हमको मालूम है, इसीलिए तो हम इधर बैठे हैं। लेकिन क्या हर एक निर्णय संख्या के आधार पर होगा, तर्क के आधार पर नहीं? अगर संख्या कहेगी कि सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश होना चाहिए जो सरकार की सहायता करें, तो क्या वो सिद्धांत बन जाएगा? क्या वो उचित होगा? अब हमारे एक मित्र कहने लगे ऐसा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता जो निष्पक्ष हो। जो भी न्यायमूर्ति के पद पर बैठेगा वो अपना विचार अपना संस्कार साथ लेकर जाएगा, वो किस वर्ग में से आता है इसकी चर्चा करेगा, निर्णय करते हुए इसको ध्यान में रखेगा। क्या यह सत्य है? क्या यह भारत की परंपरा के अनुकूल है? आदि शंकराचार्य निकले केरल से और वाराणसी में मंडन मिश्र से उनका शास्त्रार्थ हुआ। अब प्रश्न पैदा हुआ शास्त्रार्थ में न्यायाधीश कौन बनेगा? अब दो महाविद्वान आपस में टकरा रहे हैं, मानव सरस्वती विभिन्न रूपों में प्रकट होकर संघर्ष कर रही है। अब निर्णायक का उत्तरदायित्व कौन संभालेगा? कोई विद्वान नहीं मिला तो जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा मंडन मिश्र तुम्हारी पत्नी बड़ी विदुषी है, इनको न्यायाधीश बना दो और उनके न्यायाधीश के खाली हमारा तुम्हारा शास्त्रार्थ होगा। आदि शंकराचार्य ने यह नहीं कहा कि मंडन मिश्र ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारे पक्ष में फैसला देगी, मेरे साथ अन्याय करेगी, शी इज योर बेटर हाफ, वो निष्पक्ष कैसे हो सकती है? व्यक्ति निष्पक्ष हो सकता है, निष्प्र हो सकता है, निरासक्त हो सकता है। क्या देश में, इस देश में 56 करोड़ के देश में 1,500,000 2,00,000 लोग ऐसे भी नहीं मिल सकते जो एक बार न्यायाधीश के पद पर बैठ गए तो कौन परिवार का है, कौन प्रियजन है, कौन पुरजन है, इसका विचार नहीं करेंगे, सत्य के आधार पर निर्णय करेंगे, न्याय की कसौटी पर खड़े उतरेंगे। और अगर ऐसे व्यक्ति नहीं निकल सकते तो समझना चाहिए भारत का भाग्य अंधकारमय, मगर अंधकारमय नहीं है। ऐसे लोग हैं, लेकिन अब इसका निर्णय क्या वोट से होगा? नहीं होगा। और इसलिए परम पूजनीय गुरु जी कहा करते थे, हम लोग जो राजनीति में हैं, तरह तरह के धंधे करते हैं, मगर कुछ कम करें इसका प्रयास भी करते हैं। वो हम लोगों से कहा करते थे कि देखो भाई, एक प्रे होता है, प्रे लोगों को पसंद क्या है, लोकप्रिय क्या है, किसको सुनकर लोग तालियां बजाएंगे, किस कार्य के पीछे वाहवाही करेंगे, एक तो प्रे है और एक श्रेय है। कल्याणकारी क्या है, जनता के हित में क्या है,
राष्ट्र के लिए भला क्या है। और वो कहा करते थे, प्रेय के पीछे मत दौड़ो, श्रेय की साधना करो। अब उदाहरण देते थे, आदमी बीमार है और उसकी इच्छा होती है मैं कोई चटपटा खाऊं, चटपटा लोन सर बेड़े कर सर लोन सर मुझे भी अच्छा लगता है। मगर बीमार आदमी है, उसको ज्वर है, ताप है और लोन सर खाने में खतरा है, मगर उसको प्रिय है लोन सर। मगर दवा देना है श्रेय, प्रेय है मसाला और कड़वी दवा देना है श्रेय। हम क्या करेंगे? कभी कभी अतिशय प्रेम में मां भी बच्चे को गलत चीज खाने के लिए देती, रोता है दे दो दे दो, तो डॉक्टर आकर कहता है आपने अच्छा नहीं किया, प्रेय नहीं श्रेय। और इसीलिए परम पूजनीय गुरुजी स्पष्टवादी थे, जो समाज के लिए अच्छा था वो निर्भय होकर कहते थे, कुछ लोग इसलिए उन्हें गलत भी समझते थे। लेकिन जब उनके निकट आते थे तो पता लगता था कि स्पष्ट वक्ता हैं, मगर उनकी स्पष्टवादिता आत्मीयता से ओतप्रोत है। सर्जन भी ऑपरेशन करता है, अब अगर रोगी ये समझे ये मुझे काट रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, ये मेरा दुश्मन है, तो ये रोगी की भूल है, इसलिए सर्जन अपना कर्तव्य नहीं छोड़े। वो अंतिम दिन जो डॉक्टर मेरे साथ आदिलाबाद से आए थे, उनको उन्होंने एक और किस्सा सुनाया। परम पूज्य गुरु जी ने कहा कि डॉक्टर मरीज देखने के लिए बुलाए गए, तो उस मरीज को देखकर उन्हें लगा कि अब आप इसके लिए इंजेक्शन लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मरीज काफी हट्टा कट्टा था, जाड़ा था। तो मरीज ने कहा, डॉक्टर जी आपके इंजेक्शन की सुई तो मेरे भीतर तक पहुंचेगी और इसलिए आपको कोई मुझे काटने का इंतजाम करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने कहा कि काटने का इंतजाम मुझे करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो फिर वही जानवरों का डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। लेकिन कभी सर्जन को ऑपरेशन करना पड़ेगा, हाँ चिंता रखना पड़ेगी कि ऑपरेशन में कम से कम रक्त का पात हो। परम पूजनीय गुरु जी कहा करते थे कि समाज में अगर कोई व्यक्ति गलत काम करे तो उसको सजा देना होगी, लेकिन सजा इस भावना से देना होगी कि व्यक्ति हमारा है, और सजा इस तरह से देना होगी जैसे मां सजा देती है, गलत काम के लिए दंड देना होगा, मगर दंड भी सुधार के लिए होगा, संहार के लिए नहीं। मुझे याद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर से प्रतिबंध हट गया, पूजनीय गुरु जी काशी आए, काशी की नगर पालिका ने उनका नागरिक सम्मान करने का निश्चय किया। जो नगर अध्यक्ष थे वो एक मुस्लिम सज्जन थे, वे आए मुस्कुराते हुए आए, हमें प्रेम से गले लगाते हुए आए हैं, कुछ तो भय हमारे दूर हो गए मगर कुछ भय बाकी है। हम ये पूछना चाहते हैं कि प्रभु कि मुसलमानों का क्या स्थान होगा, ये तय करने वाला मैं कौन हूं? ये मुसलमान तय करें कि वो क्या स्थान चाहते हैं। किसी उपासना पद्धति से हमारा मतभेद नहीं, कोई अगर समझता है कि भगवान को अल्लाह के नाम से पुकार कर वो परम तत्व की प्राप्ति कर सकता है तो अल्लाह कहे, लेकिन उपासना पद्धति को छोड़कर बाकी की सारी बातों के लिए उसको राष्ट्र के साथ अपने को एकाकार करना चाहिए। फिर उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि शायद मेरी बात आपको पसंद ना आए, ये अंग्रेज राज करते थे, हमने उनकी गुलामी उखाड़ कर फेंक दी, राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त कर ली। भारत में भी इस्लाम आया तो कुछ तो प्रचार के मार्ग से आया और कुछ तलवार के जोर पर आया। कुछ लोगों ने इस्लाम इसलिए स्वीकार किया कि उन्हें वो उपासना पद्धति पसंद थी,
मगर कुछ लोगों ने इसलिए स्वीकार किया कि स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर वह स्वीकार करते तो उन्हें मृत्यु का वरण करना पड़ता। उन्होंने व्यवस्था से स्वीकार किया, जैसे हमने राजनीतिक गुलामी उखाड़ कर फेंक दिया। अब अगर कोई धार्मिक गुलामी भी छोड़ना चाहता है तो हम उसका स्वागत करें। और बाद में नगराध्यक्ष महोदय ने जब धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा, परम पूजनीय गुरु जी ने जो विचार व्यक्त किए उनसे हमारा कोई मतभेद नहीं। किसी ने बलात् अगर धर्म परिवर्तन किया है वो मान्य नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं फिर भी परम पूजनीय गुरु जी को लोग कहते थे एंटी मुस्लिम, मुस्लिम विरोधी। क्या मुस्लिम विरोधी है, क्या मुस्लिम विरोधी थे, ये कोई बताने को तैयार नहीं था। कहते थे हमारे दिल में एक डर है, डर। लेकिन डर तो निकट आने से दूर हो सकता है, और जो परम पूजनीय गुरु जी के निकट आया वो इस विचार से पूरी तरह प्रभावित होकर लौटा कि उनके मन में किसी वर्ग के प्रति विद्वेष नहीं। मुझे मालूम है उनके विचारों की एक बार राष्ट्रीय एकात्मता परिषद में बड़ी चर्चा हुई, प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षा, मैं उसका मेंबर, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अलीम साहब, और परम पूजनीय गुरु जी के विचार दर्शन की पुस्तक वहां मंगाई गई, उसके प्रश्न पलटे गए, एक अंश निकाला गया और प्रधानमंत्री ने कहा वाजपेयी जी संस्कार था आप समझाइए। हमने कहा ऐसा करिए, अर्थ का अगर आपको अच्छा अच्छा और सच्चा अर्थ समझना है तो परम पूजनीय गुरु जी को निमंत्रण देकर यहां बुलाइए। कहने लगे इसका मतलब यह है कि ये तो अंश है, इससे आपका मतभेद है। मैंने कहा नहीं, मेरा कोई मतभेद नहीं है, मैं शत प्रतिशत इसका समर्थन हूं, लेकिन मैं पूरी व्याख्या नहीं कर सकता, यत्न कर सकता हूं मगर थोड़ी सी कमी रह जाएगी। अब आप इतने बड़े नेता लोग यहां बैठे हुए, कमी रहना ठीक नहीं है, तो उनको बुला लिया। प्रधानमंत्री कहने लगे नहीं, उनको बुलाना तो जरा मुश्किल है। प्रधानमंत्री परम पूजनीय गुरु जी की प्रशंसा करती थी, ये बात आप में से बहुतों को सुनने में विचित्र लगती होगी, मेरी उनकी कई बार चर्चा हुई। कहते थे गुरु जी अपने विचारों के बड़े दृढ़ हैं, तो मैंने कहा इसीलिए तो आप उनसे बात करिए, हो सकता है उनकी दृढ़ता का आप पर भी प्रभाव हो जाए और जो कुछ दुर्बलता है वो भी दूर हो जाए। कहने लगे नहीं नहीं, मगर उनके विचारों को बदला नहीं जा सकता। मैंने कहा बातचीत करके तो आप तय करिए कि बदलने की जरूरत है, तो किसको बदलने की जरूरत है। कहने नहीं, बुलाना ठीक नहीं। कहने लगे क्या अर्थ समझाइए, क्या इसका अर्थ यह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए जगह नहीं होगी। मैंने कहा यह कहां लिखा है। कहने लगे ये लिखा हुआ है कि मुसलमानों को राष्ट्र जीवन की मुख्य धारा के साथ अपने को विलीन करना चाहिए। मैंने कहा यह ठीक लिखा है। तो आपको ताज्जुब होगा, प्रधानमंत्री ने जो शब्द कहे वो उन्हें कहना नहीं चाहिए थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र जीवन की मुख्य धारा कौन सी है। मैंने कहा अगर यही मतभेद है तो फिर कोई मिलन भूमि नहीं है। इस राष्ट्र का जन्म 1947 में नहीं हुआ, यह पुरातन राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है। जब मुसलमान यहां नहीं आए थे तब भी यह राष्ट्र था, जब ईसाई यहां नहीं आए तब भी भारत एक राष्ट्र था। अथर्ववेद में जब हमने घोषणा की कि पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, उसी समय मानो हमने अपनी राष्ट्रीयता का उद्घोष कर दिया, और वही राष्ट्र की मुख्य जीवन धारा है। उस धारा में अनेक छोटी छोटी नदियां मिली है, गंगा में यमुना मिली है, पटना में घाघरा मिली है, मगर पटना के बाद भी गंगा गंगा है, गंगा जमुनी नहीं है। तो हमारे राष्ट्र जीवन की मुख्य धारा में अनेक धाराएं मिलेंगी, हमारी संस्कृति अनेक प्रभावों को ग्रहण करेगी, लेकिन अपना बनाकर उन्हें आत्मसात करेगी। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयरन जरूरी होता है, आयरन लोहा। डॉक्टर कहते हैं आपके शरीर में आयरन की कमी है,
शायद इसीलिए फूड कॉरपोरेशन ने बंबई में जो चावल भेजा था उसमें आयरन के कण मिला दिए थे कि लोग दुर्बल हो रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आयरन की कमी है। तो अगर आयरन विटामिन के रूप में लोग खरीदने जाएंगे तो खर्चा करना पड़ेगा, और महंगाई हो गई है, विटामिन के दाम भी बढ़ गए हैं, और लोगों की क्रय शक्ति भी घट गई है, तो सीधा सीधा आयरन लोगों को खिलाओ, चावल में आयरन मिलाओ। आयरन जरूरी है मगर सीधा सीधा नहीं। अगर सीधा सीधा आयरन खाया जाएगा पेट को फाड़ कर निकल जाएगा। आयरन चाहिए मगर हरी सब्जी के रूप में चाहिए, साग भाजी के रूप में चाहिए, पातर भाजी के रूप में चाहिए। तो शरीर के साथ एक रस हो जाएगी, एक रूप हो जाए। इस राष्ट्र जीवन के साथ सबको एक रूप एक रस होना है। फिर उपासना की पद्धति अलग। परम पूजनीय जी गुरु जी के इन विचारों से कौन मतभेद रख सकता है? रखना नहीं चाहिए। एक और मुद्दा है जिस पर बड़ी चर्चा होती है। हमारे कुछ मित्र कहते हैं पूजनीय गुरु जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। पूजनीय गुरु जी सवर्ण और शूद्र का भेद बनाए रखना चाहते थे। हमने तो ऐसा नहीं देखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य में भेद के लिए स्थान नहीं। हमारे पड़ोस में बैठकर कौन भोजन कर रहा है इसका भी हमें पता नहीं। पता नहीं यानी नाम का पता है, उसके ग्राम का पता है, वो किस शाखा का स्वयंसेवक है इसका पता है, मगर वो किस कुल में पैदा हुआ है, किस जाति में पैदा हुआ है ये पता नहीं है। महात्मा गांधी जी भी संत शिविर में आए थे, कहने लगे यहां कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं। लेकिन जब समाज रचना की चर्चा होती थी तो परम पूजनीय गुरु जी कहते थे प्राचीन काल में हमने एक ऐसी व्यवस्था की रचना की थी, ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिसमें अलग अलग कामों का विभाजन था। वो व्यवस्था पर की आक्रमण के काल में हमारे लिए उपयोगी साबित हुई, लेकिन कालक्रम से उसमें दोष भी आ गए। आज तो अलग अलग वर्ण नहीं है, सबका एक ही वर्ण है। और वो कहते थे ऊंच नीच समाप्त होना चाहिए, छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। इन विचारों में मतभेद कहां है? मगर मुझे मालूम है पार्लियामेंट में एक सज्जन खड़े हो रहे, कहने लगे गुरु जी भी छुआछूत मानते हैं। हमने कहा आप कभी उनसे मिले? कहा नहीं मिले नहीं। हमने कहा तो आपको कैसे पता छुआछूत मानते हैं? कहने लगे हमने पढ़ा हुआ है। हमने कहा क्या पढ़ा है? कहते वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जब आरंभ हुई थी तब एक आदर्श व्यवस्था थी, तो हमने महात्मा गांधी का एक अंश निकाला। हमने कहा महात्मा गांधी भी यही कहते थे क्या? महात्मा गांधी भी गलत कहते थे? नहीं नहीं गांधी जी की बात मत करो, गुरु जी की बात करो। हमने कहा था गांधी जी की बात मत करो, आचार्य विनोबा की बात करो। तो वो जो कहते थे वो छुआछूत को ऊंच नीच को बनाए रखने के लिए नहीं, एक ऐसी व्यवस्था थी। प्लेटो ने भी ऐसी व्यवस्था का वर्णन किया है। भविष्य में जाकर शायद फिर ऐसी व्यवस्था है, उसमें छुआछूत नहीं होगा, ऊंचा बड़ा नहीं होगा, छोटा और उच्च नहीं होगा, मगर काम के हिसाब से। अभी भी क्लासेस बन रहे हैं, इसे गिल्ड सोशलिज्म कहा जाता है, उसमें भी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। आज लेबर है, एक मैनेजरियल क्लास है, एक एक्सपर्ट है, जन्म से नहीं है, कर्म से है, व्यवसाय से है, लेकिन काम तो अलग अलग है। और समाज के लिए सब काम ठीक है, सब काम आवश्यक है। हाँ, कोई भी काम करने वाला छोटा नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन एक व्यर्थ का वितंडावाद खड़ा कर दिया, कुछ तत्व जानबूझकर उनकी गलत तस्वीर पेश करने का प्रयत्न करते थे, लेकिन उन्होंने कभी खंडन नहीं किया। वो कहा करते थे खंडन करने में जितनी शक्ति जाएगी उससे अच्छा है उस शक्ति को मंडन में लगाओ, ये खंडन करने वाले अपने आप चुप हो जाएंगे। और डॉक्टर हेडगेवार का वो प्रसिद्ध उदाहरण दिया करते थे, हाथी अपने रास्ते जाता है, कुत्ते भूखते हैं तो भूखने दो। कोई हाथी ऐसा नहीं कहता अच्छा कुत्ता क्यों भूख रहा है, अभी देख तुझे ठीक करता हूं।
हाथी की यात्रा रुकती रही है। ये यात्रा चलने दो, ये साधना विराम चलने दो, जीवन को खिसने दो, चंदन की तरह से इसकी सुगंध को उड़ने दो, शरीर का क्षय होने दो, समाज को बढ़ने दो, मतभेद दूर हो जाएंगे। कभी कभी बहुत सी बातें निकल जाती, इन्होंने गांधी जी की हत्या की, नहीं की सब जानते, निकाल दिया गांधी जी की हत्या की। हम लोगों ने परम पूज्य गुरु जी से कहा इन पर मुकदमा चलाना चाहिए, उन्होंने कहा छोड़ दो इनको, मैं तो मत दो। और धीरे धीरे कम हो गया, और इसीलिए जब परम पूज्य गुरु जी नहीं रहे तो राष्ट्रपति से लेकर एक सामान्य व्यक्ति तक शोकोद्गार प्रकट करने के लिए मानो सामने आ गया। मतभेदों के बावजूद मैंने आपसे निवेदन किया, मतभेद तो रहेंगे, घर में मतभेद होते हैं, आजकल तो बाप और बेटे में भी जनरेशन गैप हो गया, जनरेशन गैप, मानो पहले जनरेशन गैप नहीं हुआ करता था, या तो पहले बेटे जल्दी पैदा होते थे या बाप जल्दी मरते थे, जनरेशन गैप तो हरदम ही रहता है। लेकिन हमारे यहां कहा षोड़शे वर्षे प्राप्त पुत्रम मित्र बदाचरे, 16 साल का हो गया मित्र की तरह व्यवहार करो। लेकिन इस पर कोई आचरण नहीं करता, जो करते हैं उन्हें कठिनाई नहीं होती, लेकिन मित्र में भी आदर रहना चाहिए। परम पूजनीय गुरु जी ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जो भारतीय संस्कृति के आधार पर आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक सामाजिक दृष्टि से सबल हो, स्वस्थ हो, शक्तिशाली हो। आर्थिक क्षेत्र में तो उनके विचार बड़े क्रांतिकारी, कहते थे आवश्यकता से अधिक संपत्ति रखना ठीक नहीं है, लोग जानते नहीं, हम इन बातों का कभी उल्लेख भी नहीं करते। कभी एक एक बार चर्चा हो गई, आप रात्रि में भोजन नहीं करते, क्यों नहीं करते? गुरु जी ने एक वाक्य कहा, मैं ऐसे देश में जन्मा हूं जिसमें करोड़ों लोग एक वक्त का भोजन नहीं पाते, मैं दो बार भोजन नहीं कर पाता। समाजवाद की घोषणा नहीं, गरीबी हटाओ का नारा नहीं, चुनाव में आकर्षक आश्वासन नहीं, एक वक्त का भोजन छोड़ दिया। मैं उनके जाने के बाद चर्चा कर रहा हूं, उनके जीवित रहते हुए हम चर्चा करने का साहस भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने समाज को परमात्मा माना था, दरिद्र को नारायण के रूप में दरिद्र की आराधना की थी, उसके साथ अपने तादात्म्य स्थापित किया। आर्थिक क्षेत्र में उनके विचार क्रांतिकारी थे, आप ये कहते थे कि भाई विदेशी विचारधारा से बचो, राज्यवाद को मत बढ़ने दो, राज्य एक संस्था है, राज्य के खंभे पर समाज का भवन खड़ा मत करो, न हमने पहले किया था न भविष्य में करना चाहिए। मान लो कभी राज्य बदल गया, कभी राज्य बिखर गया, कभी नई दिल्ली की सत्ता परिवर्तित हो गई, कभी राज्य का रथ चकनाचूर हो गया, तो एक खंभा टूटने के बाद भी और खंभे जीवित रहना चाहिए, समाज अमर रहना चाहिए। प्राचीन काल में भी राज्य बदले, दिल्ली के सिंहासन पर अनेक लोग बैठे, मगर हमारे तपोवन चलते रहे, हमारे गुरुकुल चलते रहे, हमारी पंचायतें चलती रही, समाज का हमारा संगठन चलता रहा, और इसलिए हम जीवित रहे। यूनान मिट गया, रोम इतिहास के पृष्ठों में सो गया, बेबीलोन कहां है, मगर भारत वेद काल से लेकर आज तक जीवित है और अनंत काल तक जीवित रहने वाला। परम पूजनीय गुरु जी कहते थे ये जीवनी शक्ति कहां पे आई, ये शक्ति राज्य ने नहीं दिया, राज्य तो हमने बनाया, राज्य का आवश्यक संस्था है, राज्य का निर्माण जरूरी है, राज्य का संचालन करने वाले चरित्रवान हो यह भी आवश्यक है, मगर समाज जीवन के सारे सूत्र राज्य के रथ से मत जोड़ो, अगर वो रथ टूट गया तो क्या होगा, तो समाज विघटित नहीं होना चाहिए। और इसलिए संस्कृति, संस्कार, शिक्षा, गुरुकुल, पंचायतें, समाज के अपने संगठन, एक स्वावलंबी समाज जो पर की आक्रमण का सामना कर सके और देश के भीतर समय समय पर होने वाले विघटनों का भी मुकाबला कर सके वाला व्यक्तित्व, मगर अतीत से
स्फूर्ति लेकर चलने वाली साधना। परम पूजनीय गुरु जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके सपनों का हिंदुस्तान बनाना भी बाकी है। वो सपने हमें उत्तराधिकार में दे गए। हम उनके चरण चिन्हों पर चलेंगे, लेकिन उन्होंने एक बार यह भी कहा था अपने भौतिक वर्ग में कि केवल चरण चिन्हों पर चलना ही काफी नहीं है। जो व्यक्ति चला जाता है उसके चरण चिन्ह आगे तिरोहित हो जाते हैं, और जो केवल चरण चिन्हों पर चलने की बात करते हैं फिर उनकी समझ में नहीं आता कि आगे जब चिन्ह नहीं है तो कहां जाए। इसलिए आंख बंद करके चरण चिन्हों पर नहीं चलना, आंखें खोलकर जीवन से प्रेरणा लेना और व्यक्तिगत जीवन में पावित्र्य, सार्वजनिक जीवन में सेवा की भावना, राष्ट्र के प्रति अनन्य निष्ठा, समाज के प्रति समर्पण का संकल्प, ये गुण हैं जो हमें उत्तराधिकार में मिले हैं। इन गुणों को हम जितना अपने जीवन में ला सकेंगे उतना ही हम उनके उत्तराधिकारी होने का दावा उचित रूप में कर सकेंगे। मैं नहीं जानता इस कार्यक्रम में मुझे क्यों बुलाया गया। हमारे घर पर का पता नहीं क्या क्या मेरी तारीफ कर रहे थे। मुझे लगता था कि सुनकर वो शायद कवि हैं जो अलंकार की छटा दिखा रहे थे। मुझ में चंद्रमा की शीतलता है, मुझ में हिमालय की उच्चता है, ये गुण मुझ में नहीं है, शायद ये उनकी कल्पना शक्ति का सामर्थ्य है। इस कार्यक्रम में आने की अगर मेरी कोई पात्रता है तो एक ही है
कि मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक छोटा सा स्वयं सेवक हूँ और मुझे गुरु जी के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला है। 33-34 साल हो गए। मैं जानता हूं मेरे सामने ऐसे गण्यमान्य सज्जन बैठे हैं, इनका संबंध परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी से था। मैंने तो उन्हें एक बार देखा पर था, लेकिन गुरु जी को मैंने देखा 34 साल पहले। मैं बाल स्वयं सेवक था, गुरु जी पंजाब मेल से जा रहे थे पंजाब, और हम लोग छोटे छोटे स्वयं सेवक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए। थर्ड क्लास के डब्बे में थे, बड़ी भीड़ थी, निकलना मुश्किल, मगर जैसे कैसे उनको निकाला। गाड़ी 10 मिनट खड़ी होती थी, स्वयं सेवक कई संख्यबद्ध खड़े थे, सबसे मिले, किसी के सर पर हाथ रखा, किसी को प्यार से पुचकारा दुलारा। वो पहली झलक है बाल स्वयं सेवक की आंखों की पहली झलक, और उसके बाद अंतिम दर्शन की झलक। 34 वर्ष का काल, कई बार उनसे बात की, कई बार उनके निकट आया, कई बार उनकी सलाह मांगी, कई बार उनकी मीठी झड़की भी खाई। कभी कभी कहा करते कौन नेता जी, और हम लोग पानी पानी हो जाते। उस आखिरी दिन भी उन्होंने एक बात कही थी, आज नहीं बताता, कभी समय आएगा तो बताऊंगा। गुरुजी पार्थिव रूप में हमारे बीच में नहीं है, मगर गुरुजी हरदम रहेंगे। उनका कालज्ञ व्यक्तित्व, काल को जीतने वाला व्यक्तित्व, उनकी साधना हमें हमेशा प्रेरणा देगी, उनका पवित्र जीवन हमें अनुप्राणित करेगा। जब कभी अंधेरा दिखाई देगा, जब कभी थकान आएगी, जब कभी दुर्बलता का अनुभव होगा, तो अखंड साधना का उनका जीवन सारी निराशा सारी दुर्बलता दूर कर देगा, और उनका स्मरण करके फिर हम कर्तव्य के कंट का तीर्ण पथ पर आगे बढ़े। अब उनका व्यक्तित्व एक जगह सीमित नहीं रहा, हृदयों में बिखर गया। अब वो नंदादीप हरेक हृदय में प्रज्वलित है, और उसके प्रकाश में हम रास्ता ढूंढेंगे, अपने ध्येय को पूरा करेंगे। मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे इस कार्य के निमित्त बुलाया। मैं अपने को सम्मानित अनुभव करता हूं। वैसे इसी नगर में ऐसे महानुभाव विद्यमान हैं जो परम पूजनीय गुरु जी के चित्र का अनावरण करने की मुझसे अधिक पात्रता रखते, लेकिन शायद आपने सोचा होगा कि एक छोटे स्वयं सेवक को बुलाना ज्यादा अच्छा है। मैं आपके आमंत्रण पर आया हूं, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। अभी आने से पहले मुझे एक किसी अपने तरुण ने एक मुझे कागज दिया, जिसमें लिखा था कि परम पूजनीय गुरु जी का चित्र का आप अनावरण करने आए हैं, ये ठीक है, मगर नगर पालिका में डॉक्टर लोहिया का चित्र है, उसका क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, अगर लोहिया का चित्र है तो रहना चाहिए। लोहिया भी हमारे सम्मानित नेता थे, मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र थे, और परम पूजनीय गुरु जी और डॉक्टर लोहिया की मुलाकात का भी मुझे दृश्य अभी तक याद है। डॉक्टर लोहिया एक बार शाखा पर आए, मैं खत्म करते करते ये प्रसंग आपको सुना देता हूं। परम पूजनीय गुरु जी से मिले, कहने लगे गुरु जी आपके पास जैसे कार्यकर्ता हैं, वैसे अगर कार्यकर्ता मेरे पास होते तो मैं हिंदुस्तान को इधर से उधर कर देता। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान जिधर है उधर ही रहना चाहिए, इधर से उधर करने की जरूरत नहीं। फिर मैंने डॉक्टर लोहिया को कहा कि गुरु जी के पास जैसे कार्यकर्ता है वैसे आपके पास होते, मगर कैसे होते, आप बनाइए ऐसे कार्यकर्ता। वो संघ के बड़े प्रशंसक, और परम पूजनीय गुरु जी के साथ उनका जो वार्तालाप हुआ वो भी हमने लिख कर रखा है, कभी प्रसंग आने पर उसका भी प्रकाशन किया जाएगा। लेकिन डॉक्टर लोहिया गुरु जी को कहा करते थे आप कुछ कर सकते हैं। गुरु जी कहते थे मेरा काम है व्यक्ति का निर्माण, करने वाले आप लोग हैं, करिए।
मगर जैसे लोग चाहिए मैं देता हूं। कुछ हमारे और भी मित्र कहते थे कि संघ के स्वयं सेवक तो अच्छे मगर संघ की विचारधारा अच्छी नहीं। मतलब यह कि प्रकाश तो अच्छा है मगर दीपक अच्छा नहीं। तो व्यक्ति विचारधारा से बनता है या व्यक्ति अपने आप बन जाता है। डॉक्टर लोहिया का चित्र नगर पालिका में लगे मुझे खुशी होगी। परम पूजनीय गुरु जी का चित्र लग रहा है यह आनंद का भी अवसर है ये वेदना की भी खड़ी है। लेकिन जो व्यक्ति आया है वो जाएगा। शरीर नश्वर है मानव मर्त्य है लेकिन जिनका जीवन और समाज की सेवा में धर्म के रक्षण में समाप्त हो गया उन्हें काल समाप्त नहीं कर सकता। वो अमर हैं अजर हैं और परम पूजनीय गुरु जी उन्हीं तपस्वियों की श्रेणी में आते हैं। मैं उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं और वाचनालय को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने परम पूजनीय गुरु जी का चित्र लगाने का फैसला किया। ये चित्र वाचनालय में आने वाले प्रत्येक पाठक को राष्ट्र सेवा का संस्कार देता रहे प्रेरणा देता रहे यही प्रार्थना करता हुआ और आप सबके प्रति अपना विनम्र आभार प्रकट करता हुआ मुझे जो कुछ कहना है समाप्त करता हूं। भगवती राम हम यशोमति।